ब्रज प्रेस क्लब के आह्वान पर गोवर्धन के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों सहित अखबार वितरकों को समाज सेवी बालकृष्ण अग्रवाल उर्फ वाचेलाला के सहयोग से डी गड्ढा स्थित चंद्र गार्डन में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु एसपी देहात शेष चंद थाना प्रभारी लोकेश भाटी द्वारा क्षेत्रीय सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों तथा समाचार वितरकों की सराहनीय सेवाओं को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया तथा कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु किटें भेंट की गई। समाज सेवी बालकृष्ण अग्रवाल उर्फ बाचेलाना ने कहा कि इस कोरोना महामारी के संकट के समय में डॉक्टर पुलिसकर्मी सफाई कर्मी के साथ साथ पत्रकार विशेष कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य वंदनीय है। वर्धन में आपने सभी पत्रकार भाइयों को हॉकरों को सैनिटाइज किट बांटे हैं, कोरोना में क्या कुछ कहेंगे सर? मैं एक इस समय देश में पूरे विश्व में एक आप सबको विदित है कोरोना संक्रमण की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, सब लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं, चाहे सरकारें हों, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, और इसमें पुलिस विभाग हो, डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, इनकी महती भूमिका है। इससे इस सबसे अच्छी भूमिका हमारे पत्रकारों की है जो पल पल की जानकारी समाज को दे रहे हैं और समाज में अभी तक कोई ऐसा भय और अफवाह का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दे रहे। मैं पत्रकार साथियों से, सब लोगों को सरकारी और शासन से सुविधाएं मिल रही हैं। मेरा एक पत्रकार साथी एक ऐसा है जिसको कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही, संस्थान से भी नाम मात्र का मानदेय और उस पर भी अपनी जान हथेरी पर लेकर के ये समाज को बचाने के काम में लगे हुए हैं। मेरा ये अनुरोध था कि जो भी हमारा सबसे कमजोर मीडिया का बंधु होता है, वो पत्रकार जो वितरित करता है वो होता है, घर घर जाता है, उसे कहीं से अगर संक्रमण हुआ तो वो कई जगह फैलेगा। इसलिए मेरा ये मुहिम है, मैंने ब्रज क्षेत्र में चलाई है कि हमारा कोई भी पत्रकार वितरक होकर इस सुविधा से वंचित ना रहे। मैं गांव देहात जाकर के ये सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा हूं प्राइवेट लोगों से। इस दिशा में कोई चंदा ना दे किसी संस्था को, ना किसी व्यक्ति को कोई नगद धनराशि ना दे। केवल मैंने जो टाउन एरिया है उनके चेयरमैन है या एक आध दो आदमी तो खुद निकल के आए हैं। जैसे यहाँ ये बांछे नाला है, घनश्याम अग्रवाल जी हैं, ये खुद आए, इन्होंने खुद मुझे फोन किया। ठीक है भाई है, डॉक्टर साहब है हमारे, इन्होंने खुद फोन किया कि मैं पत्रकारों के लिए, ये पत्रकार जो समाज को जागरण का काम कर रहे हैं, जान हथेरी पर लेकर के सेवाएं दे रहे हैं, हम उनको ये कोरोना संक्रमण बचाव की किटें देना चाहते हैं। इसमें मास्क है, साबुन है, ग्लव्स हैं, स्वाफी है, स्प्रे है, सैनिटाइज। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दिशा में कुछ लोग अभी फर्जी पत्रकार बन के घूम रहे हैं, वो आपके समाज को और आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। उनके बारे में भी जानकारी हो तो आप पुलिस को, स्थानीय सक्षम अधिकारी को सूचित करें। दूसरा, इस नाते से कोई किसी को सहयोग और चंदा ना दे, सुविधा जरूर दे। जैसा कि आज गोवर्धन में सैनिटाइज किट बांटी गई है पत्रकारों के लिए, किस संस्था के द्वारा और किसके द्वारा बांटी गई है और किस लिए? जैसा कि हम जानते हैं इस समय कोरोना महामारी से सारा विश्व हताहत है, इसी कड़ी में हमारे कलम के सफाई योगी पत्रकार है जो कि घर घर जाकर हमें सारी खबरों से अवगत करा रहे हैं और पूरी जनता को उससे बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से बचाव करना है, किस प्रकार से सावधानी रखनी है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश जनरल एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष जी हैं श्री कमलकांत उपमन्यु जी, उनका हमें सानिध्य मिला और हमारी लक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, लक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री घनश्याम अग्रवाल जी बांचेलाला और उनके परम सहयोगी डॉक्टर रविंद्र पांडे जी के सहयोग से आज हमने गोवर्धन क्षेत्र के सभी पत्रकार बंधुओं को सैनिटाइजिंग किट बांटने का काम किया संस्था के द्वारा। संस्था विगत 30 मार्च से सेवा के कार्य में लगी हुई है। संस्था के द्वारा विगत 30 मार्च से जितने भी जरूरतमंद हैं उनको सूखा राशन और भोजन के पैकेट प्रतिदिन लगभग 600 पैकेट का भी वितरण कार्य किया जा रहा है। हम सभी पत्रकार भाइयों के हार्दिक आभारी हैं कि वे हमारा इस कार्य में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं।